हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू सीरीज ऑफ एपिसोड्स जिसमें मैं आया हूँ टू ट्राई आउट द मोस्ट फेमस विंटर स्पोर्ट्स विच इज़ नोन एज द स्नोबोर्डिंग एंड व्हाट प्लेस बेटर टू ट्राई दिस आउट अदर देन द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस स्की रिजॉर्ट डेस्टिनेशन. सो आई पैक्ड माई बैग एंड टुक द मोस्ट सीनिक फ्लाइट टिल श्रीनगर. एंड यस, अगर आप भी कश्मीर बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट विंडो सीट एंड आई श्योर दैट आप रिग्रेट नहीं करेंगे. श्रीनगर से गुलमर्ग इज़ अबाउट 60 किलोमीटर्स एंड इसको कवर करने में हमें अप्रॉक्स 2 घंटे लगे, बट द वैली वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट. सो हेलो एवरी वन एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू सीरीज ऑफ एपिसोड जिसमें मैं हूँ इन दिस ब्यूटिफुल विंडो वंडरलैंड विच इज़ नोन एज द गुलमर्ग. तो बस फिर अगले दिन से ही बोर्डिंग करना चालू. सबसे पहले जो बोर्ड है मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में क्या क्या होता है. जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये बोर्ड की नोज होती है जो फ्रंट साइड से आती है. कोई रेगुलर होता है, कोई गूफी होता है. जिसका फ्रंट साइड होता है वो उसके फ्रंट साइड से नोज होती है. ओके, अनदर वन इज़ बाइंडिंग. ये बाइंडिंग होती है. इसके बाद ये स्ट्रिप्स, ये भी बाइंडिंग्स और इसके स्ट्रिप्स, इसको बोलते हैं हम टेल. उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं हम जो ये है इनको एजेस बोलते हैं. और फ्रंट साइड से जो है इनको, इसको टो बोलते हैं. और बैक साइड जो से जो है इनको हील बोलते हैं. ठीक है. और ये अनदर वन इज द सरफेस. ये जो है ये सरफेस होती है बोर्ड, ये चलने के काम आती है. और इन पर हम टर्न्स करते हैं जो एज से, इन पर हम टर्न्स करते हैं. ओके, अब राइट साइड की लेग पे प्रेशर डालो, जाने दो थोड़ा और. अब लेफ्ट साइड की लेग पे प्रेशर डालो, गुड. राइट फिर से, अब लेफ्ट फिर से, थोड़ा आप ये बताओ हमारी प्रोग्रेस के हिसाब से क्या चल रहा है अभी, कितना हो जाएगा? हमारी प्रोग्रेस के हिसाब से अभी तो आज आपने समझो 10% तो हो गया है आज. जैसे आप हील स्लाइडिंग, वो तो आपका हो रहा है एकदम परफेक्ट. अभी हमें टो स्लाइडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है. जैसे ही टो स्लाइडिंग परफेक्ट, उसके बाद हम फॉल लीफ करेंगे, उसके बाद हम कोस्ट लॉन्ग टर्न्स पे जाएंगे. तो 1-2 दिन में हो जाएगा. हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 1-2 दिन में. मैं इनिशियली लग रहा था भाई बोर्डिंग आसान है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट आपको ऊपर जाने में लगेगा. ऊपर जाना इज़ लाइक 10 मिनट रेशो वाइज बताऊँ, नीचे आना इज़ 1 मिनट. सुबह से मल्टीपल रन्स करे हैं, 100 बार गिर चुके होंगे. ठीक है, सो फार सो गुड. अभी हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आ रहे हैं ऊपर से नीचे, वो ये रहे ये वाले. इनिशियल प्लान वाज कि पूरा दिन स्नोबोर्ड करेंगे, सीखेंगे इसको, ताकि फेज 1 चेयर कार जो है वो हमारा एम है इस बार का, कि वो तो करना ही करना है. ठीक है, सो फार सो गुड. हियर ही कम्स. Just came back from the first session to learn how to snowboard. And आज हमने सीखा कि how do we heel and toe पे कैसे नीचे आते हैं. So initially it was fun. Then eventually ऐसे होने लगा कि जैसे ही हमने जो degree of angle होता है जो slope का, जैसे ही हमने वो angle increase किया फट के 74, देन ठीक है. पहले इनिशियली थॉट कि भाई गिनूंगा कितनी बार गिरा, क्या हुआ कैसे हुआ. इनिशियली मेरे ख्याल से 13 या 14 बार तक मैंने गिरा,
गिना गिरने को, उसके बाद आई वॉज ब्लैंक, नहीं पता भाई मैं कितनी बार गिरा हूँ। ठीक है, नाउ अब कल पे है, कल हम सीखेंगे हाउ टू ज़िगज़ैग पैटर्न में कैसे नीचे आए, जिसमें हम दोनों हील एंड टो को यूज़ करके नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर टुमारो। मेरे रूम का व्यू, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे इज़ आर सेकेंड डे टू लर्न हाउ टू स्नोबोर्ड। राइट नाउ अभी मैं बस अपना जो स्लोप से उसकी तरफ जा रहे हैं। कल हम लोग बिगिनर स्लोप पे थे, आज वी आर गोइंग ऑन अ मच एडवांस को स्लोप, जिस मेरे ख्याल से 40 डिग्री के इंक्लाइन पे वाला स्लोप जो हमने कल करा था दैट वॉज 20 डिग्रीज। सो यस, आज का प्रोग्रेस देखते हैं क्या होता है। ऑन कर दो, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर है बटन, यहाँ पे है ये वाला? नहीं नहीं, ये यही साइड साइड से ही है। फॉलिंग द लीव एकदम लॉन्ग जाना है, जैसे आप यहाँ से जाओगे फ्रंट लेग पे प्रेशर होगा, फिर आपको बैक लेग पे वापस प्रेशर देना है, आप लेफ्ट साइड वापस आओगे, राइट साइड वापस आओगे। ठीक है, ओके, नीज बेंड योर नीज, वापस प्रेशर देना है, आप लेफ्ट साइड वापस आओगे, राइट साइड वापस आओगे। ठीक है, ओके, नीज लॉन्ग जाना है, डाउन छोड़ो आगे से बोर्ड को, पीछे नहीं पकड़ना है, डाउन छोड़ो आगे से बोर्ड को, डाउन नाउ, इट्स टाइम टू टर्न, गुड, अब सीधे अक्रॉस द स्लोप ऐसे आगे तक, आगे तक थोड़ा और, अब छोड़ो पूरा डाउन बोर्ड को, यहाँ पे टर्न, ओह हाँ, अभी नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, पहले थोड़ा स्टीप आने दो, नाउ हील टर्न, पूरा प्रेशर, गुड, आराम से आराम से, आज क्या क्या करेंगे मतलब? आज तो हमने पहले, सबसे पहले हमने थोड़ा सा सुबह वार्म अप किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट की लॉन्ग टर्न्स, जिसमें से भाई ने इम्प्रूव किया लॉन्ग टर्न्स में, अभी 30% तो भाई का इम्प्रूव हो गया है लॉन्ग टर्न्स में, बट जैसे जब ये लॉन्ग टर्न्स लेते हैं इनका थोड़ा सा स्किड बोर्ड करता है, तो अब हम कल 100 लॉन्ग टर्न्स में पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ये स्किड होने से
इस पे भी और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। तो अभी एज एन ओवरऑल कितना परसेंट? अभी तो एज एन ओवरऑल 50% तो हो गया, 50% हो गया, 50% तो हमारा हो गया। और कल क्या क्या सीखेंगे हम? कल हम एक तो लॉन्ग टर्म्स पे थोड़ा सा और कंसंट्रेट करेंगे, उसके साथ साथ हम शॉर्ट टर्म्स का भी, 1 बजे के बाद हम शॉर्ट टर्म्स लेंगे वो हाईलैंड वाले पे। हाँ हाईलैंड पे, हाईलैंड स्लो, हाईलैंड के बाद सीधा। हाँ परसों हम पूरी कोशिश, कल इम्प्रूवमेंट अच्छी से हुई तो परसों हम फर्स्ट फेज करेंगे, फर्स्ट 27 को हम फर्स्ट फेज करेंगे और 28 को हम चेयर कार करेंगे। चेयर कार पाउडर पे कैसा रहा है? जो चौड़ा में 2 रन कराए जो नॉर्मली था पाउडर पे, फिर भी अच्छा था। जो हमारे ब्लॉक का सीक्वेंस है थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, बिकॉज हम सुबह 9 बजे हिल्स पे आ जाते हैं, स्लोप्स पे आ जाते हैं, एंड उसके बाद 9 से अभी भी टाइम 4:30 हो रहा है, 9 से 4:30 बस बोर्डिंग बोर्डिंग बोर्डिंग, वापस जो अपना स्किल डेवलप हो रहा है उसको और इनहांस करते हैं, सब करते हैं। आज संडे है यहाँ, मतलब वैसे संडे है, तो हमारा टारगेट है कि ट्यूसडे तक हम लोग फेज़ 1 चले जाएं, जो कि प्रॉपर पाउडर पे हम लोग स्नोबोर्ड करेंगे। कर रहे हैं, तो हमारे होटल का रास्ता भी एकदम ही चढ़ाई वाला है। हम लोग जो ये वाली हिल है इसके पीछे सीखते हैं, पूरा रास्ता वहाँ से चलता हुआ यहाँ से आगे। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल बात करूँ, आपका जो एंड्योरेंस लेवल है फिज़िकल फिटनेस वाइज एवरीथिंग, मेंटली आल्सो, न जाने कितनी बार गिरे होंगे यार हम, मोर देन 100। हाथ थोड़ा सा सूज गया है फिर गिरते। सो फार सो गुड।